तो यहाँ पे अडानी ग्रुप की एक और कंपनी अडानी पावर के भी Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% गिरकर 6,373 करोड़ हो चुका है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू जरूर गिरा है, लेकिन जो कंपनी के लिए अच्छी बात है वो ये है कि अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। अब कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 13 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 288 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑल ओवर पूरे साल की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर एंड में, तो कंपनी लॉस में ही है, लेकिन जो इस क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है इससे एक शेयर होल्डर्स को एक थोड़ा सा राहत मिलती है कि अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, तो आने वाले समय में ये प्रॉफिटेबिलिटी अब यहाँ से और बढ़ सकती है। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो 3.2% का हमको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है, और जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वो 6,373 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू गिरा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है जहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज नज़र आते हैं। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी को 1,312 करोड़ का लॉस हुआ था, और अभी 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। देखिए, ऑल दो प्रॉफिट कम है, लेकिन देखिए जो कंपनी 1,500 करोड़ का जब कंपनी लॉस कर रही है, उसके कंपेरिजन में अगर कंपनी को 5-6 करोड़ का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पर एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब ये देखिए, 36,910 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि कंपनी लॉस में है, अर्निंग पर शेयर भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, और आप यहाँ पे डिविडेंड बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ही अराउंड 13 करोड़ का हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड दे भी नहीं सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे लगातार ये कंपनी लॉस थी, लेकिन इसकी जो अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, यहाँ पे रेवेन्यू ऑल्दो गिरा था, लेकिन रेवेन्यू फिर से यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर हम बात करेंगे, इस बार तीनों क्वार्टर्स में कंपनी लॉस में थी, लेकिन अभी इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, तो आने वाले समय में कंपनी की अगर यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है तो ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखिए, 96.85 पे यहाँ पे अडानी पावर का शेयर ट्रेड हो रहा है। देखिए, 214% के रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिए हैं, और देखिए इसका जो मेन मूवमेंट हमको देखने को मिला है वो देखने को मिला है कोविड के बाद। ये देखिए, जिस तरीके से ये स्टॉक लगातार भागा है, बीच में कोई भी कंसोलिडेशन हमको देखने को नहीं मिला है। देखिए, इसके पीछे का रीजन यही है कि जितने भी अडानी के स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो अडानी ग्रुप की शेयर होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से वहां पर मार्केट में जैसे इनिशियल डिमांड क्रिएट होती है तो शेयर अच्छा खासा 5% इंट्राडे में बढ़ जाता है, क्योंकि अडानी पावर का 5% अपर सर्किट है। तो अगर आप देखोगे तो अडानी पावर का जो शेयर है इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुझे अच्छी नजर आती है, क्योंकि जितने भी पावर के स्टॉक्स हैं, चाहे वो टाटा पावर अभी इलेक्ट्रिक स्टेशन में ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जितने भी पावर स्टॉक्स हैं, कल्पतरु पावर, अडानी पावर, इन सब में मुझे अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, क्योंकि जितने भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के स्टॉक्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमको सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ऐसे में पावर स्टॉक्स हमारे रडार पर होने चाहिए। देखिए, जो यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए रीज़न मेरा यही है, क्योंकि अडानी के हम बात करेंगे, अडानी स्टॉक की जो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो, मतलब जो अडानी ग्रुप की जो शेयर्स हैं उन्होंने प्लेज किए हुए हैं, और उसके बाद में डेट कंपनी का बहुत ज़्यादा है, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक से अवॉइड रहना चाहिए। अब जो यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मतलब जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है, मतलब हाई रिस्क हाई प्रॉफिट या हाई लॉस, तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उनको यहाँ पे अडानी पावर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अडानी जी जो है वो बिल्कुल एग्रेसिव ने यहाँ पर नजर आती है उनके अंदर से, और वो लगातार यहाँ पे जो उन्होंने प्लेजिंग की हुई है वो भी रिवोक कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे उनका जो मेन अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी जी, उन पर मुझे बहुत भरोसा है, इसीलिए मैं अडानी ग्रुप को बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों, मैं होप करूंगा कि आपको अडानी पावर के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।